आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान खबरें सबसे तेज। आज जम्मू कश्मीर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के आसार। दक्षिणी भारत में आज होगी तेज बारिश। देश के अधिकांश हिस्सों में ठंड बढ़ने लगी है। दक्षिणी तटीय राज्यों में तूफान बुरे भी आकर गुजर गया है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर भारत के उच्च स्थानों पर बर्फबारी और दक्षिणी के कुछ राज्यों में बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं मौसम विभाग ने अपने बुलेटिन में कहा है कि जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और लद्दाख के कई हिस्सों में आज बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ दक्षिण भारत के तमिलनाडु पांडुचेरी और केरल लक्षद्वीप के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव समाप्त होने के बाद बर्फ से ढकी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र से मैदानी तक यहाँ पर बर्फीली हवाएं बहने से तापमान में यहाँ पर गिरावट आएगी। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में दिसंबर के पहले सप्ताह में दिन का तापमान सामान्य से अधिक गर्म रहा है। भारतीय मौसम विभाग के भोपाल केंद्र के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस सप्ताह औसतन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। उन्होंने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित ग्वालियर समेत 21 जिलों में यहाँ पर रविवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में दिन का तापमान पश्चिमी विक्षोभ के कारण बढ़ा है। इसके चलते दिन के समय मध्य प्रदेश में ठंड लाने वाली उत्तरी दिशा से आने वाली हवाओं के बजाय दक्षिण पश्चिम से हवाएं यहां पर आ रही है, जिससे यहां पर तापमान अब बढ़ने लगा है। वहीं पंजाब हरियाणा में कई जगह पर यहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा है। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि हरियाणा के अंबाला में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सामान्य से 4 डिग्री अधिक रहा है, जो कि 11.9 डिग्री यहां पर दर्ज किया गया है। जबकि करनाल में 13.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। वहीं पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 12.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सामान्य से 8 डिग्री अधिक है। वही बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में दिन का अधिकतम तापमान रात के न्यूनतम तापमान दोनों यहां पर सामान्य से अधिक बना हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम न्यूनतम तापमान यहां पर चूरू का दर्ज किया गया है। चूरू में 9.3 डिग्री सेल्सियस पर तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान चूरू में अधिकतम तापमान यहाँ पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर तापमान 33 डिग्री रहा है, जबकि सामान्य से ये 7 डिग्री अधिक है। इसी तरह फलोदी में रात का तापमान 12 यहाँ पर 15.2 डिग्री रहा, जो कि सामान्य से 6.6 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आने वाले कुछ दिनों में मौसम यहाँ पर शुष्क बना रहेगा। वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता यानी एक्वाई अत्यंत खराब श्रेणी में यहाँ पर दर्ज की गई है, लेकिन इसमें वायु की गति बढ़ाने के पूर्वानुमान के कारण आगामी 2 दिनों में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अधिकारियों ने बताया है कि हवा की गति धीमी होने की वजह से स्थानीय जनित प्रदूषण तत्वों का जमाव होने के कारण वायु गुणवत्ता यहाँ पर गंभीर पिछले दिनों यहाँ पर हो गई थी। वहीं मौसम विभाग के पर्यावरण अनुसंधान केंद्र के प्रमुख ने बताया है कि हवा की गति अभी धीमी बनी हुई है, जो कि स्थानीय जनित प्रदूषण तत्वों को जमाने में मददगार है। उन्होंने कहा है कि पूर्व से आ रही हवा में नमी है, जिससे प्रदूषक तत्वों का दूसरा स्तर भी बन रहा है। इन सभी कारकों की वजह से वायु गुणवत्ता यानी एक्वाई गंभीर श्रेणी में दिल्ली में पहुंच गई। हालांकि यहां पर अधिकारियों ने कहा है कि हवा की रफ्तार पकड़ने की वजह से आज यहां पर वायु गुणवत्ता यानी एक्वाई में सुधार हो सकता है। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई शहरों में ठंड के साथ साथ कोहरा भी यहां पर बढ़ रहा है। अब तक प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली में सीजन का पहला कोहरे के कारण यातायात पर यहां पर इसका असर पड़ा है। राजधानी से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली में आज सुबह तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी दिल्ली में कोहरे के कारण दृश्यता स्तर काफ़ी कम थी। कोहरे के कारण विमानों की आवाजाही और सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी यहां पर धीमी देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में कहा है कि दिसंबर में दिन गर्म रहने और सुबह और शाम ठंड रहने की भविष्यवाणी जताई गई है। वहीं दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर यहां पर रविवार को अत्यंत खराब था। हालांकि हवा गति बढ़ने के पूर्वानुमान के कारण आगामी 2 दिन में सुधार होने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हवा की गति धीमी रहने की वजह से प्रदूषण का स्तर यहां पर बढ़ा है। वहीं इस मौसम में पहली बार नोएडा और गाजियाबाद में भी कोहरे का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गौतम बुद्ध नगर में सोमवार सुबह घना कोहरा देखने को मिला। जिले के दादरी नगर इलाके में जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है और यहां जीरो विजिबिलिटी देखने को मिल रही थी।
वहीं मैदानी इलाकों में भी ठंड ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया है। बिहार और यूपी सभी देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। बिहार में सुबह सुबह कोहरा की घनी चादर यहां पर देखने को मिल रही है। राज्यों के गांवों में सुबह सुबह कोहरे की घनी चादर थी, जबकि मुजफ्फरपुर और मोतिहारी जिलों में भी कोहरे की चादर यहाँ पर देखने को मिली है। यूपी में ठंड के साथ पड़ेगा घना कोहरा, मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम एक बार फिर से तेजी से करवट ले रहा है। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा पड़ना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सुबह और रात में घना कोहरे की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। इस दौरान कहीं कहीं घना तो कहीं बहुत घना कोहरा पड़ सकता है। हालांकि पश्चिमी और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में सामान्य कोहरा रहने की उम्मीद जताई गई है। इस दौरान वहां पर ठंड बढ़ेगी। वहीं सोमवार को लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में यहां पर दिन की शुरुआत कोहरे के साथ ही हुई है। सूर्य देवता समय से निकले, लेकिन करीब 11 बजे तक कोहरे का असर इस पर दिख रहा था। यही हाल रविवार को भी था। हालांकि दिन में धूप की वजह से सर्दी यहां पर कम रहेगी, लेकिन शाम को यहां पर ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। वही राज्य में फिलहाल उत्तरी पश्चिमी हवाएं चल रही है। पहाड़ों की ओर से आ रही हवाएं सुबह शाम यहां पर ठंड बढ़ा रही है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निदेशक ने बताया है कि हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर से बढ़कर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब हो गई है। हालांकि अभी बारिश के उत्तर प्रदेश में फिलहाल कोई यहां पर आसार नहीं है, मगर यहां पर सुबह और शाम घना कोहरा साया रह सकता है। राजस्थान के कुछ इलाकों में बरसात की चेतावनी। सेकावटी में 1 डिग्री तक गिरा है तापमान। राजस्थान के सेकावटी इलाके में सोमवार को तापमान में फिर गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र पर यहां पर पारा रविवार के मुकाबले 1 डिग्री गिरकर 5.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वही हवा पहले के मुकाबले ज्यादा यहां पर हवा में नमी महसूस हुई है। इधर मौसम विभाग के अनुसार सप्ताह के अंत में पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के कुछ इलाकों में यहां पर बरसात होने का अनुमान है, जो कि सटीक रहने पर तापमान में अचानक गिरावट ला सकता है। यानी मौसम विभाग की माने तो राजस्थान में अगले सप्ताह में यहां पर सर्दी जोर पकड़ती यहां पर नजर आ रही है। यानी अगले सप्ताह से यहां पर राजस्थान में सर्दी बढ़ जाएगी। वही 2 दिन में 3 डिग्री तक यहाँ पर सीकर का तापमान गिरा है। यहाँ पर हल्का कोहरा सेकावटी इलाके में तापमान में उतार चढ़ाव का दौर लगातार बना हुआ है। हल्का कोहरा यहाँ पर छाया हुआ है। नवंबर महीने के अंतिम सप्ताह में यहाँ पर 1.8 डिग्री तक यहाँ पर तापमान पहुंचा था। तापमान पिछले 2 दिनों पहले यहाँ पर 8.5 डिग्री पहुंच गया था, जो कि फिर यहाँ पर गिरना शुरू हो गया है। वही रविवार को यहां पर 6.5 में सोमवार को फिर 1 डिग्री यहां पर तापमान गिरा है, जो कि आने वाले दिनों में बरसात होने के कारण और ज्यादा गिरने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। वही सेकावटी में सोमवार को मौसम की बात करें तो अल सुबह ग्रामीण इलाकों में यहां पर धुंध छाई हुई नजर आई है, जो कि धूप खिलने पर यहाँ पर वो धुंध छट गई है। वही हवा में अब भी यहाँ पर हल्की नमी है, तो तेज धूप यहाँ पर खिली होने के कारण मौसम बिल्कुल साफ है। गौरतलब है कि अंचल में अधिकतम तापमान 27 डिग्री के आसपास बना हुआ है। वही मौसम विभाग केंद्र जयपुर के अनुसार अगले सप्ताह तक प्रदेश में मौसम में फिर बदलाव हो सकता है। बरसात व हवाओं के बाद तापमान में यहां पर गिरावट का दौर जारी रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के प्रधान प्रभारी आरएस शर्मा के अनुसार राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ रविवार को गुजरा है और सोमवार को एक नया विक्षोभ आने वाला है। आमतौर पर पश्चिमी विक्षोभ के साथ बारिश और तेज हवाएं आती है, लेकिन इस बार दोनों ही विक्षोभ सक्रिय नहीं हुए। इसी कारण प्रदेश में बारिश और नमी नहीं है। लगातार धूप विक्षोभ होने के कारण तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। वही वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में 11 और 12 दिसंबर को एक फिर यहां पर राजस्थान में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, ऐसा मौसम विभाग ने अपने अनुमान में कहा है, जिसके बाद यहां पर तापमान में थोड़ी यहां पर गिरावट आने की संभावनाएं बन रही है। उत्तराखंड में इस बार होगी हड़कंपाने वाली सर्दी, मौसम विभाग ने जताई है चिंता। उत्तराखंड वासियों को ठंड इस बार ज्यादा कपकपा सकती है। मौसम विभाग ने इस बार दिसंबर और जनवरी और फरवरी में भारी बारिश और बर्फबारी के आसार यहां पर उत्तराखंड में जताए हैं। वही मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के जाने के बाद कुमायूं क्षेत्र में बारिश का सूखा ही रहा है। कुछ जिलों में केवल बूंदाबांदी हुई है। विभाग के मुताबिक जनवरी और फरवरी में पश्चिमी विक्षोभ यहाँ पर ज्यादा सक्रिय हो सकता है। वही मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सामान्य से ज्यादा यहाँ पर बारिश होगी, जिस वजह से बारिश और ठंड यहां पर बढ़ेगी। पहाड़ों में रिकॉर्ड तोड़ यहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ रबी की फसल के लिए जरूरी है। सामान्य तौर पर दिसंबर से फरवरी तक 1 माह में 2 से 3 बार पश्चिमी विक्षोभ यहां पर सक्रिय होते हैं। 3 माह में कुल 9 से 10 पश्चिमी विक्षोभ से यहां पर बारिश होती है, लेकिन इस साल प्रति माह करीब 5 पश्चिमी विक्षोभ ही आ सकते हैं।
अगले 3 महीनों में 15 विक्षोभ यहाँ पर सक्रिय हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस वजह से मैदानी क्षेत्रों में और पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बारिश यहाँ पर होगी, वही साथ ही पहाड़ी क्षेत्रों में अच्छी बर्फबारी भी होगी। उन्होंने कहा है कि इस बार ठंड का प्रकोप ज्यादा रहेगा, यानी ठंड इस बार उत्तराखंड में ज्यादा रहेगी, इसलिए लोगों को मौसम विभाग ने यहाँ पर अलर्ट रहने के लिए कहा है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।